हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी के अप्पे। सूजी के अप्पे बनाने के लिए मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, कैसे मैंने उनको बनाए हैं बिना इनों के और बिल्कुल घर के सामानों से हमने इसे रेडी किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है इस तरीके से 2 बाउल सूजी। तो आप कोई भी कप कटोरी घर की बाउल आप सेट कर लीजिए, उसी के नाप से आप सभी इंग्रेडिएंट्स का यूज कीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बाउल सूजी ली है और 1 बाउल मैंने यहाँ पर लिया है दही। हाँ फ्रेंड्स, जितनी आप सूजी लेना है आपको उससे आधा आपको यहाँ दही लेना है। दही डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 बाउल पानी और इसको हम विस्कर की हेल्प से इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और इसका अच्छे से लिक्विड घोल बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका लिक्विड फॉर्म में हम इसका बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। धीरे धीरे आपको मिक्स करते जाना है और इसका घोल बनाकर आपको रेडी करना है। तो देखिए, इस तरीके का आपको इसका बैटर रखना है, ना तो ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा हार्ड। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। अब मैंने यहाँ कट कर लिया है बारीक आलू, टमाटर की प्यूरी, धनिया, प्याज और हरी मिर्च। आप आपकी अकॉर्डिंग जो भी सब्जी यहाँ यूज करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब आधा घंटा हो गया, उसके बाद मैंने ये जो भी सब्जियाँ कट की है वो हम यहाँ डाल देंगे। डालेंगे टमाटर प्यूरी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बिल्कुल बारीक साइज में कटी हुई प्याज, आलू को मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था और ये 3 से 4 हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों को हम डाल देंगे। अब हम लगाएंगे तड़का। तो हम लेंगे तड़का पैन, उसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से प्रीहीट होने देंगे। ऑयल हमारा प्रीहीट हो गया, उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई और कड़ी पत्ते डालकर इसको हम बंद कर देंगे। हमारा तड़का बनकर रेडी हो गया है। अब हम तड़के को डाल देंगे हमारे अप्पे वाले बैटर में। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसको एक न्यू फ्लेवर मिल जाता है। अब हम इसमें ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 पिंच हींग। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आप इसमें आपके अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पर टेस्ट के ऊपर आप इसमें मसाले का डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर रख देंगे। अभी देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। हाँ फ्रेंड्स, जो हम घर पे खाने वाला सोडा जो हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा, उसको हम मिक्स करके, ये देखिए एक ही कंसिस्टेंसी में आपको मिक्स करना है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब ये मैंने लिया है अप्पे वाला पैन। मेरे पास ये अप्पे वाला पैन है, मैं इसमें अप्पे बनाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मार्केट से बाई कर सकते हैं या फिर आप इसे अमेजन फ्लाइन आप इसे बाई कर सकते हैं। अब हम इसमें इस तरीके से ब्रश की हेल्प से सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर लेंगे। ब्रश नहीं है तो आप इसे चम्मच की हेल्प से भी तेल लगा सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें सभी में ये अप्पे वाला बैटर डाल देंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखें, अप्पे वाला बैटर आपको इसमें पूरा भरना है, तभी आपके अप्पे में अच्छे से स्पंज जाएगा और वो गोल गोल बड़े बड़े साइज में बनकर रेडी होंगे। अगर आपको आप इसे अच्छे से पूरा नहीं भरोगे तो ये अप्पे की साइज गोल नहीं होगी। तो ये देखिए, अब हमने इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये एक साइड से पक गए हैं, ऊपर से ये बिल्कुल सूख गए। उसके बाद हम इस तरीके से ब्रश से इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। अब ये ऑयल लगाने के बाद हमने इसे 1 मिनट और पकाया है। उसके बाद ये देखिए, चम्मच या चाकू की हेल्प से हम इसे इस तरीके से इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए।
ये देखिए मैं इन्हें एक एक करके इस तरीके से पलट दूंगी। एक साइड से ये हमारे कितने अच्छे से सिक गए हैं, बिल्कुल इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। ये नाश्ता आप फटाफट से बना सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे, आपके बच्चे कुछ खाने की डिमांड करें, तो आप इस तरीके से घर में से बना सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से मैंने इनको सेक लिया है अच्छे से, ये इनका दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। हमारे अप्पे बनकर रेडी हो गए। अब आप इन्हें कैसे सर्व करें वो मैं आपको बताती हूँ। मैं तो मेरे घर में इसको ऐसे सर्व करती हूँ, ऐसे यूज करती हूँ। आप कैसे करते हैं मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये लिया है मीठा दही। तो दही में मैंने चीनी डालकर इसको मैंने मीठा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर दही डाल देंगे। अब उसके बाद मैंने ये बनाई है इमली वाली मीठी चटनी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च भी डाली है। ये इमली की चटनी हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ बनाई है ये ग्रीन चटनी धनिए की। थोड़ी सी हम उसके ऊपर धनिया वाली चटनी डाल देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से चाट मसाला। चाट मसाला डालकर थोड़ा सा हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब हम उसके ऊपर डालेंगे ऊपर से नमकीन। ये लीजिए हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म अप्पे चाट मसाले की तरह बनकर रेडी हो गई। आपको मेरे अप्पे की रेसिपी कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इसे एंजॉय कीजिए और मुझे प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स शेयर करते दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।